21 जून यानी विश्व योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील में एक और बड़े अभियान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। यह अभियान है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगाकर मुकाबला करने का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रामपाल सिंह ने बेगमगंज और सिलवानी क्षेत्र में आम लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर लगातार प्रेरित किया। विधायक रामपाल सिंह खुद आम लोगों के बीच पहुंचे और वैक्सीन लगवा रहे लोगों का उत्साह भी बढ़ाया। इस निशुल्क वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने में बेगमगंज SDM अभिषेक चौरसिया ने भी व्यवस्था बेहतर बनाने में अपने कौशल का परिचय दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और मेडिकल की टीम एक परिवार की तरह आम लोगों के बीच नजर आई। क्षेत्रवासी, प्रदेशवासी और सभी लोगों से, सभी भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना है कि ये वैक्सीन रूपी कवच जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने निःशुल्क युवाओं के लिए भी निःशुल्क ये व्यवस्था की है, इसका हम पूरा लाभ लें। पूरे सब लोग टीका लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने वार्ड को, नगर को, और हम इसको अभियान के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में आज चल रहा है और सभी समाजसेवी संगठन, स्वयंसेवी संगठन, पार्टी पदाधिकारी, संगठन की पूरी टीम ताकत से लगी हुई और सबको घर घर जाके निमंत्रण दे रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए। आज नगर बेगमगंज में भी पूरे उत्साह के साथ युवा भी मिले, युवा मोर्चा की टीम भी लगी हुई है, माताएं बहनें, स्वयंसेवी संगठन, और वैक्सीन लगने का काम ताकत से चल रहा है। पूरी उत्साह के लोग घर से आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा के। बेगमगंज से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट।